नमस्कार दोस्तों, संगीत मेंटोर चैनल में सभी संगीत प्रेमियों का तथा दोस्तों का, संगीत विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के लेसन में हम आपके लिए लेके आए हैं नागिन धुन। दोस्तों, ये नागिन धुन बहुत ही फेमस है, बहुत पुराने समय से बहुत ही मशहूर है और आज तक हर कोई जब हारमोनियम सीखता है तो ये धुन बजाना चाहता है। और अगर कोई बजाता है तो हम उसे ध्यानपूर्वक सुनने लग जाते हैं और हम लोग उस पर झूमने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने सोचा कि आज आपको ये सिखाया जाए, क्योंकि अगर आप हारमोनियम सीख रहे हैं तो ये धुन आपको ज़रूर ही आनी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी से कहते हैं कि मैं हारमोनियम बजाता हूँ तो कोई भी आपसे एक्सपेक्टेशंस रखता है कि आप ज़रूर उसे नागिन की धुन सुनाएंगे। और जब आप उसको बहुत अच्छे तरीके से नागिन की धुन बजा के सुनाओगे तो वो आपसे बहुत ही इम्प्रेस हो जाएगा और बहुत ही मन को प्रसन्न करने वाली ट्यून है ये। तो आइए इसे सीखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि हम किन किन स्वरों का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, ये जो दो काली बटन है, काली कीज़ है, ब्लैक वन ब्लैक टू, इसमें जो काली एक है यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। इसका पहले आप आरोह देख लीजिए क्या है। ता, ता, रे, गा, मा, पा, मतलब क्या हुआ, सा रे कोमल गा मा पा धा नी सा, ये कोमल ध है, ये कोमल नी है और ये सा है, ठीक है। तो इसमें तीन कोमल स्वर लगेंगे, कोमल गा, कोमल ध और कोमल नी, ठीक है। फिर से एक बार आप इसका आरोह करते हैं। पहले सा रे गा, कोमल गा है ये, मा पा ध नी सा, बाद में इसका आरोह सा नी ध प म ग रे सा। और ये दो काली बटन है जो है इस पे, ये दो फिंगर आपको यूज़ करना है, पहला है पॉइंटर और दूसरा है मिडल फिंगर, ठीक है। और कोमल ग पे कोमल ध और कोमल नी, तीनों पे आपको थंब ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। सा रे ग म प, वापस थंब आ गया, ध नी सा, ये फिंगर 1 2 3 ऐसे इस्तेमाल करना है। सा नी ध प म ग रे सा। सबसे पहले दोस्तों आपको कंटेस्ट कर लेना है कि ये सा है, ये रे है, ये कोमल ग है, म प, कोमल ध, कोमल नी और सा, डिसेंडिंग। सा नी ध प म ग रे सा। तो इसको पहले आप 8-10 बार बजा लेना, उसके बाद ही आप नागिन की धुन सीखना शुरू करना है। सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा। जब आपका ये प्रॉपर हो जाए उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। एक एक लाइन, रे सा ग सा रे नी सा नी, ऐसा पहले दो बार बजाए, रे सा ग सा रे नी सा नी, वापस रे सा ग सा रे नी सा, यहाँ रुक जाना है बाद में, ठीक है। एक बार इसको फ्लो में दिखाता हूँ, रे सा ग सा रे नी सा नी, रे सा ग सा रे नी सा, रे सा ग सा रे नी सा नी, रे सा ग सा रे नी सा। वापस एक बार स्लो दिखाता हूँ, रे सा ग सा रे नी सा नी, रे सा ग सा रे नी सा। अब इसको थोड़ा फ्लो में दिखाते हैं, रे सा ग सा रे नी सा नी, रे सा ग सा रे नी सा, रिपीट, रे सा ग सा रे नी सा नी, रे सा ग सा रे नी सा। तो ये दोस्तों आपका एक पार्ट हो गया, उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं।
सा रे गा प प ध ध प प ध ध प प ध ध प। फिर से देखते हैं। सा रे गा प प ध ध प प ध ध प। उसके बाद सा रे गा कितना सेम बजाना ध्यान। म म प प म म प प म म ग रे सा। ठीक है, फिर से एक बार। सा रे गा प प ध ध प प ध ध प प ध ध प। सेकंड लाइन। सा रे गा म म प प म म प प म म ग रे सा। फिर रे सा ग सा रे नी सा नी रे सा ग सा रे नी सा रे सा ग सा रे नी सा नी रे सा ग सा रे नी सा। उसके बाद एक सेकंड पार्ट आता है। सा रे ग प प म ग प प म ग धा धा प म धा धा प म नी नी धा प नी नी धा प। फिर से देखिए। सा रे ग प प म ग प प म ग धा धा प म धा धा प म नी नी धा प नी नी धा प। ये फ्लो में कैसे आएंगे। सा रे ग प प म ग प प म ग धा धा प म धा धा प म नी नी धा प नी नी धा प। हो गया इतना। अब इसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद 4/4 का एक सेट बनाएंगे स्वरों का। स नी ध प एक पार्ट, नी ध प म सेकंड, ध प म ग प म ग रे म ग रे सा नी सा। फिर से देखिए। स नी ध प नी ध प म ध प म ग प म ग रे म ग रे सा नी सा। ये कैसे आ गए पूरा देखिए। स नी ध प नी ध प म ध प म ग प म ग रे म ग रे सा नी सा। अब पूरा देखिए। ठीक है। सा नी ध प नी ध प म ध प म ग प म ग रे म ग रे सा ग रे सा नी सा। लास्ट में ग रे सा नी सा। फिर से देखते ये रन एक बार। सा नी ध प म ध प म ग प म ग रे ग रे सा नी सा। फिर से थोड़ा फास्ट। फिर से। स नी ध प नी ध प म ध प म ग प म ग रे म ग रे सा ग रे सा नी सा। और एक बार स्लो गाता हूँ। स नी ध प नी ध प म ध प म ग प म ग रे म ग रे सा ग रे सा नी सा ग रे सा नी सा। उसके बाद फर्स्ट वाला। अब दोस्तों एक बार स्लो स्लो बताता हूं। ये दो बार बजाना है। उसके बाद Cross.
दोस्तों एक बार मैं इसे प्रॉपर फ्लो में बजा देता हूँ ताकि आपको उसका टेम्पो का ख्याल रहे कि सीख जाने के बाद में उसको किस टेम्पो से बजाना है और कैसे बजाना है। ठीक है, ये तो बेसिक ट्यूटोरियल था, लेकिन जब हम उसको थोड़ा सा ग्रेस के साथ बजाएंगे तो कैसा साउंड करता है वो बाद में वो एक बार देख लीजिए आप। दोस्तों एक बार फिर से मैं नोटेशन गा देता हूँ आपके लिए स्लो में। रे सा ग सा रे नी सा नी, रे सा ग सा रे नी सा, इतना आपको दो बार बजाना है। उसके बाद सा रे ग प प ध ध प प ध ध प प ध ध प, देन सा रे ग म म प प म म प प म म ग रे सा, रे सा ग सा रे नी सा नी, रे सा ग सा रे नी सा, रे सा ग सा रे नी सा नी, रे सा ग सा रे नी सा। उसके बाद वाला सा रे ग प प म ग प प म ग ध ध प म ध ध प म नी नी ध प नी नी ध प सा नी ध प नी ध प म ध प म ग प म ग रे म ग रे सा ग रे सा नी सा रा रा रा। फिर ये आएगा वापस पहले का। तो दोस्तों पहले इसे उसका आरो आरो बजाना सीखना है, उसके बाद में धीरे धीरे उसके ऊपर जो नोटेशन से मैंने बताया है उसे प्रॉपर फिंगरिंग से स्लो स्पीड में ही बजाना है। जब आपका उस पर हाथ बैठ जाए और आपको समझ जाए कि कैसे बजाना है तो उसका धीरे 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 आपको टेम्पो बढ़ाना है। टेम्पो मतलब उसका स्पीड, उसका जो लय है धीरे धीरे बढ़ाना है। जब धीरे धीरे उसकी आप लय बढ़ाओगे तो वो खुद ब खुद अपने आप में बहुत अच्छा साउंड करने लग जाना है दोस्तों। तो आज के लेसन में इतना ही, थैंक यू सो मच। और आपको ये मेरा ट्यूटोरियल अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर इसे आप लाइक करें, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो बनाता जाऊं, यही आपसे उम्मीद रखता हूं। थैंक यू सो मच, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ। थैंक यू।